आपको कंफर्म करूंगा, यस द लीडर्स हैव एग्रीड टू फॉर्म एन अलायंस पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस एट द लेवल ऑफ लीडर्स एंड लीडरशिप ओनली कैन से व्हाट आर द कंटूर्स ऑफ दिस अलायंस. इट हैज नॉट कम डाउन टू अस एज एमएलएस. आई एम एन एमएलए. आई हैव बीन ओनली टोल्ड दिस मच एन अलायंस हैज बीन एग्रीड. दैट इज ऑल. टुडे इज ईद मिलाद उन नबी. No further progress. So for no further progress to us. हम सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं. मैं आप लोगों से मिलता हूं. मैं पीडीपी एमएलएस की मीटिंग भी आज बुलाई थी. नहीं 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 मैंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई थी. मैं ऑनेस्टली सच कहूंगा, आज हरीसा का मौसम है. हरीसा खाते हैं. ऐसे ऐसा तो चलता ही रहता है. आज आपकी मुलाकात हुई, इस बात को चर्चा हुई? नहीं, मेरी कोई अलायंस के बारे में कोई ऐसी मेरी बात नहीं हुई है. लेकिन जनरली वी ऑल मीट, ऐसा कुछ ये नहीं है. लेकिन ये लीडरशिप लेवल पे है. अभी ये बात कन्फर्म्ड है. यस, देर इज अ सीरियस लेवल ऑफ डिस्कशन विच हैज टेकन प्लेस एंड आई थिंक एन अलायंस हैज बीन एग्रीड. व्हाट आर द कंटूर्स ऑफ द अलायंस, कब बनेगी, क्या बनेगी, कैसे बनेगा, ये है कि मेजॉरिटी मुझे लगता है करीबन 60 MLAs एक प्लेटफॉर्म है वो 60 MLAs का है. क्यों? मसला कश्मीर इस वक्त, कश्मीर और कश्मीर के हालात और यहाँ के जो हमारी एक आइडेंटिटी है, जिस आइडेंटिटी की तशक्कुस के लिए ये अलायंस बन रही है, किसी कोई हुकुमरानी के लिए नहीं बन रही है. इट इज़ ओनली फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर स्पेशल आइडेंटिटी विच वी हैव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आई थिंक द लीडर्स हैव एग्रीड. दैट इज ऑल व्हाट आई नो अबाउट इट. मुझे ऑनेस्टली आई हैव नो डिटेल्स. अगर कोई भी जो चीज़ हो रही है वो खाली लोगों की एस्पिरेशंस को रेस्पॉन्ड किया जा रहा है और जो हमारा स्पेशल स्टेटस है, जो हमारा तशक्कुस है, 370 इज अंडर अटैक, 35A इज अंडर अटैक. वी हैव टू रेस्पॉन्ड. वी आर ऑल्सो like commoners here, everybody, we have to respond to this situation. As elected representatives, we have to respond. Altaf sahab, jis tarah third front upar raha tha, kya usse dar kar ye kadam uthaya ja raha hai? Dekhiye, democracy mein bahut sare front aayenge. Democracy to isi ka naam hai. Lekin yahan koi front nahi ban raha hai, aisa kuch nahi hai. 2/3 60 log, 61 log agar milenge to 2/3 hi banega na. बताया जा रहा है. सर, विल यू रन द गवर्नमेंट फॉर टू लॉन्ग इयर्स, बिकॉज़ देयर इज अ टाइम, और यू विल डिसॉल्व इट एज द रूमर्स आर कमिंग? मैंने कहा हमें कुछ भी पता नहीं है. हमें ऑनेस्टली इतनी पता है कि लीडर्स ऑफ थ्री पार्टीज हैव अ ब्रॉड एग्रीमेंट दैट दे शुड रिस्पोंड टू द सिचुएशन व्हिच हैज इमर्ज्ड. इतना लेट क्यों ख्याल आया? यस सर, मुझे लगता है कि आपने देखा होगा, हमने लोगों के एस्पिरेशंस को ही मद्देनजर रख के काफी सारी चीजें की, जिनके लिए हमें ब्लेम भी किया जाता है कि ये मेन स्ट्रीम पार्टीज है, इन्होंने क्यों ऐसे किया. सो ऐसा नहीं है. देयर आर डिफरेंट वेज. नहीं नहीं, ऐसी है बिल्कुल बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. लीडर जो लीडर्स हैं वही, उन्हीं में से कोई होगा. कौन होगा, क्या होगा, हमें कोई नहीं. खैर, ये मसला चीफ मिनिस्ट्री का नहीं है. ये इस वक्त मसला है रिस्पॉन्ड करना एक सिचुएशन को, जिसके लिए रियासत जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं. पर हमारी कोशिश, हमारी कोशिश, देखिए देखिए, हाइपोथेसिस पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ और हाइपोथेसिस पे मैं रिएक्ट नहीं करूँगा. वी विल रिएक्ट टू अ सिचुएशन एज एट व्हेन इट डेवलप्स इन एनीथिंग. हमें अभी तक यही पता है, यस द लीडर्स ऑफ दीज थ्री पार्टीज हैव agreed to go ahead with an alliance. What are you expecting it to announce it formally? Inshallah, mujhe lagta hai jaldi hi announce hoga formally. Aisa kuch nahi hai, jaldi hi hoga. Should be aisa mujhe lagta hai, aisa hi hona chahiye. Sir, kal NC ka core group ka meeting hai. Will you will also participate in that and then you will formally announce it with the national conference? Honestly, mujhe pata nahi hai unka core group ka hai. Mujhe ye bhi pata nahi hai hamari party kab mil rahi hai. Lekin aaj ka mujhe 100% pata hai ki aaj kyunki Eid e Milad un Nabi sallallahu alaihi wasallam hai, isliye aaj koi nothing has been planned for today because